अरे हम जूस पीना रहे भाई, इसमें देख के पूछा कर पूरे के करना रहे हो, सारी बात भेज रही है इसमें। तो दोस्तों मैं बास्केटबॉल के ग्राउंड में आया था और यहाँ पे कुछ बच्चे मतलब बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है इनको, बढ़िया मस्ती से। तो सही है, शाम को अपना थोड़ी बहुत भड़ास निकल जाए, शाम को थोड़ा बहुत पसीना निकाल लो अपने शरीर का, तो दिन भर की टेंशन दूर हो जाती है। तो सभी को कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए भाई पूरे दिन में एक बार। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ। टाइम हो चुका है सुबह के 8:45। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बस अभी अभी ड्यूटी पे पहुंचा हूं मैं। तो मिलते हैं दिन में दिन भर की कुछ नई ताजा अपडेट के साथ। आज तो ऐसी धूप है, कोई ठंड का नाम भी नहीं है, सवेरे से ही धूप निकाल रखी है, कोई धुंध नहीं, कोई ठंड नहीं, कुछ नहीं। तो आज तो मजा आ रहा है भाई, एक नंबर का। आज तो जी सा मतलब सुबह से ही पूरा मौसम खोल दिया। ये देखो भाई, स्कूल के बच्चे हैं काफी। कोई प्रोग्राम है आज? तो भाई अभी लंच टाइम हुआ है, 1:30 बजे है। आज लंच करेंगे नहीं क्योंकि आज ऑफिस में एक पार्टी थी छोटी सी, हमारे कर्मचारी भाइयों ने हमको पार्टी दी थी। तो आज कचौरी खा ली और जलेबी खा ली, पनीर वाली जलेबी। तो भूख है नहीं रोटी की, तो लंच में वैसे ही थोड़ा बहुत घूम लेते हैं, इधर उधर टाइम पास कर लेते हैं। तो भाई जो अभी आपने जो स्टूडेंट्स देखे हैं, ये 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे थे। ये असली जो लाइफ है ना, वो तो भाई स्कूल लाइफ ही है। आप सबको पता है स्कूल लाइफ जिसकी एक बार निकल गई वो वापिस नहीं आ सकती। जो इच्छाएं, जो खुशी स्कूल लाइफ में मिलती थी वो आज के टाइम में मिल ही नहीं सकती भाई। भाई अपनी स्कूल लाइफ में अपना खुश रहो, एंजॉय करो, पढ़ो लिखो, वही एक जिंदगी है, वो सबको याद आएगी। वो टाइम कभी लौट के नहीं आता वापस, स्कूल लाइफ वाला। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं प्लस टू तक का जो टाइम है ना, उसके बाद तो टेंशन भड़क, नौकरी की टेंशन, घर की टेंशन, जिम्मेदारियां और बहुत सारी टेंशन आ जाती है भाई। फिर तो जो रियल होता है ना, मैं वही बताता हूँ अपने ब्लॉग में। तो अभी हम आए हैं आंवले तोड़ने, लंच टाइम है, आंवले खा लेते हैं, थोड़ा एक एक आंवला खाएंगे, बढ़िया मजा आएगा। कितने आंवले लाए मोहित? एक मेरा दे दे। ये टूट, यो देख ये टूटे आंवले, यो तेरी। मोहित तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करता है, इतने आंवले तोड़ता है, ये मतलब कोई हद नहीं। डंडी ढूंढ रहे है, वो रही लंबी डंडी वो उधर। गर्मी तो आप मेहनत का काम कर रहे हो भाई, गर्मी तो लगेगी, जोर से मारे। तो भाई शाम के बज चुके हैं 5 और अभी हम चाय पीने आए हैं, चाय पी के फिर घर जाएंगे। तो आज तो भाई पूरा दिन धूप रही है, पूरा दिन मतलब बढ़िया मौसम था, ज्यादा ठंड का एहसास भी नहीं था, मतलब पूरा दिन बढ़िया था, धूप थी आज सारा दिन। 10 मिनट की डिस्कशन के बाद ये निष्कर्ष निकला कि चाय नहीं पियेंगे, जूस पियेंगे। अभी हम पियेंगे 3 गिलास जूस गाजर का और मोहित ये साथ है मेरे। ब्लॉग वाली बात आप कैसे कह रहे हो, ब्लॉग नहीं बनाते? ये ले ब्लॉग बन गया, ये ब्लॉग बन गया, कैमरा चालू कर, ब्लॉग बन गया, कल वाली कल आ जाएगी। मैं वीडियो बनाता हूँ, वो 2 दिन के बाद अपलोड होती है, अभी आज वाली परसों अपलोड होगी, मतलब ये तो अपलोड हो रही है। अरे हम जूस पीना रहे हैं भाई, इसमें देख के पूछा कर पूरे के करना रहे हो, सारी बात भेज रही है। अभी अभी जूस पी के आए और रास्ते में मिल गया था ये शहरी, तो उससे मिलनी है, क्यों ना पा बोल दे आज कुछ। मोहित ने मेरे को बोला था, बोला पा जिम स्टार्ट करेंगे। तो 15 दिन हो गए इसको, मैं बोला चल भाई जिम स्टार्ट कर लेते आ जा। बोला आज तो है मेरे को घर जल्दी जाना है, आज तो मेरे को घर जल्दी जाना है। इसको 15 दिन हो गए यही बात कहते, आज तो मेरे को घर जल्दी जाना, आज मैं लास्ट इसको बोल रहा हूँ भाई चल है तो चल, नहीं तो फिर अपनी टाल है। परसों से फाइनल। परसों के है आज से, मैं नहीं करूँगा तेरे साथ आज के बाद, आज थोड़ा जल्दी जाना। फाइनली मोहित तैयार हो तो गया है आज की डेट में, बोला चल आज 10 मिनट रनिंग कर लेते हैं। तो मैं कहा चल भाई, तो आज मोहित जींस के अंदर रनिंग करेगा। आज की थोड़ी बहुत कर ली है भाई, 10-15 मिनट वार्म अप किया है आज, रूटीन बनती है नहीं बनती। अब चलते हैं घर की तरफ, मोहित मेरे को थोड़ा पार तक उतार देगा। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, अभी मेरे को कम से कम 3 किलोमीटर पैदल चलना है, इसमें से आधा किलोमीटर में आ गया हूँ, 2.5 किलोमीटर अभी और रहता है। अभी कुछ सामान लेना था मार्केट से, वो सामान लिया है। तो भाई अपना तो घर का सामान लेना ही नहीं पूरा होता, कभी ये कभी वो कभी ये, हाँ तो मेरा ही सामान है वो। तो अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। तो भाई पैदल चल चल के 1.5 किलोमीटर तो मैंने सफर पूरा कर लिया है 1.5 किलोमीटर का, और अभी 1 किलोमीटर और बाकी है। भाई एक ऑटो मिल गया था, अभी अभी मैं घर पहुंचा हूँ, मतलब अभी उतरा हूँ, अभी घर जाऊंगा बस, अभी ऑटो से उतरा हूँ, अभी घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो दोस्तों
घर आ गया था मैं, जल्दी पहुंच गया था, आके खाना खुना भी खा लिया है। रात के अब 9 बज रहे हैं, तो एडिटिंग करके खाना खा के बस मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। अब एडिटिंग करके फिर मैं सोऊंगा, सुबह उठेंगे और सुबह मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं ये पे खत्म और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।